ओके एवरीवन, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने लोड वर्ड एंड आर टाइप का डेटा पाथ देखा था, और डेटा पाथ के अंदर हमने देखा था एक क्या क्या कंट्रोल सिग्नल्स होंगे, तो हम लोग डेटा को प्रॉपरली जो है डेस्टिनेशन तक हम लोग भेज सकते हैं और स्मूथ कर सकते हैं अपने डेटा के पाथ को. सो अब हम स्टोर वर्ड से आके शुरू करते हैं. अगेन इंस्ट्रक्शन से हमारी मेमरी आएगी और वो ऑपकोड के जो ऐसा जाएगा ताकि एक सारे कंट्रोल सिग्नल्स की वैल्यूज आ सकें. आर टी यहाँ भी जाएगा, आर डी एंड इमीडिएट वैल्यू हमारी यहाँ पे जाएगी, एंड ऑफसेट हमारा आगे चला जाएगा. अब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर जगह यूज़ हो. स्टोर वर्ड में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बाकी चीज़ों को हम डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी डेटा को हम डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ यूज़फुल डेटा को हम आगे जाने देंगे. अगेन आर एस के अंदर बेस एड्रेस होता है, तो बेस एड्रेस हमारा यहाँ पे आ जाएगा. आर टी यहाँ भी जाएगा. आगे हम देखते हैं उसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम. सो आर टी की इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ तक आ गई. अब सबसे पहले यहाँ से हमने आर टी को आगे नहीं भेजना, इमेज डेटा को आगे भेजना है. तो यहाँ पे हम लोग वन सेलेक्ट करेंगे, तो ए एल यू सोर्स के अंदर वन आएगा, तो ये वाला डेटा हमारा क्रॉस हो जाएगा. सो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा आगे. यहाँ से हमारे पास ऐड होगा और ऐड से हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो यहाँ रीड पे भी जाएगा, राइट पे भी जाएगा, एंड हमारा मेम टू रेज वाले मक्स तक भी जाएगा. अब क्योंकि हम स्टोर वर्ड कर रहे हैं और स्टोर वर्ड में हम लोग मेमोरी के अंदर राइट करते हैं, तो ये वाला हमने सबसे पहले रोकना है. और ये कैसे रोकेंगे, मेम रीड को जीरो करके, तो मेमोरी रीड नहीं करेगी. सो यहीं पर हमारा डेटा रुक जाएगा. मेम राइट क्योंकि हमने मेमोरी के अंदर राइट करना है, तो इसलिए इसको हम वन रखेंगे. अगेन यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ भेजी, यहाँ से कोई डेटा आगे नहीं आएगा. ये आगे हम देखते हैं इसको कैसे कंट्रोल करना है. सो क्योंकि हम रजिस्टर फाइल के अंदर राइट नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेमोरी के अंदर राइट कर रहे हैं, तो रेज राइट ज़ीरो होगा. तो कोई भी डेटा अगर यहाँ से आगे जाता है तो यहाँ पे जाके खुद ब खुद रुक जाएगा. सो हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं डोंट केयर. डोंट केयर का मतलब है कि ये चाहे ये वन हो चाहे ये ज़ीरो हो, कोई भी डेटा आगे जाएगा वो आगे जाके ब्लॉक हो रहा है. सो क्यों, रजिस्टर राइट ज़ीरो की वजह से. इसलिए हम इसको रादर देन ज़ीरो या वन वैल्यू दें, क्योंकि उसमें हम फिर फिक्स वैल्यू करनी पड़ेगी. हम लोग डोंट केयर कर देते हैं, ना वो ये यूज़ हो रही है ना ये यूज़ हो रही है, और में से कोई भी वैल्यू अगर आगे जाती है तो आगे वो जाके रजिस्टर फाइल के अंदर राइट नहीं होगी. इसी तरह हम रेज डेस्ट को देखते हैं. अब रजिस्टर हम फाइल हमारी डेस्टिनेशन है ही नहीं, क्योंकि रेज राइट ज़ीरो है, इसलिए कोई भी आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए चाहे ये वाला आ जाए, आगे राइट नहीं होगा. तो इसलिए हम रेज डेस्ट को भी डोंट केयर करते हैं. मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट केयर का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी इनपुट आउटपुट पे आएगी तो हमारे फाइनल आउटपुट पे उसका इफेक्ट या नेक्स्ट स्टेज पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इसमें हमने देखा कि क्योंकि रजिस्टर राइट ज़ीरो है, वो राइट करने ही नहीं देगा, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू आएगी वो राइट यहाँ पर नहीं होगी, वो यहीं पर डिस्कार्ड होगी. रेज राइट ज़ीरो है तो यहाँ से चाहे ये वाली वैल्यू आती है चाहे ये वाली वैल्यू आती है, दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगी. इसलिए हम इसको डोंट केयर लिखते हैं. सो एल यू ऑप, क्योंकि हमारा अगेन ये एक मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, इसलिए एल यू ऑप हमारा ज़ीरो ज़ीरो होगा. नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है कि ये डेटा जो है, क्योंकि हमने मेमोरी के अंदर राइट करना है और राइट की फैसिलिटी हमारे पास है मेम राइट से, तो ये डेटा यहाँ पर जा रहा था और ये आर टाइप में भी आ रहा था, लोड वर्ड में भी आ रहा था. लेकिन आर टाइप और लोड वर्ड में हमने इसको कैसे यहाँ से बंद किया कि मेम राइट को हमने ज़ीरो किया हुआ था. मेम राइट सिर्फ और सिर्फ स्टोर वर्ड के केस में वन होगी, तो इसलिए जाके यहाँ पे जाके ये राइट हो जाएगा. सो अगेन मेम राइट वन, मेम टू रेज अगेन डोंट केयर, एल यू ऑफ ज़ीरो ज़ीरो, मेम रीड ज़ीरो, रेज डेस्ट अगेन जो हमारा ये है डोंट केयर, रेज राइट ज़ीरो. आखिरी रह गया पीसी सोर्स, अगेन वही चीज़ है चाहे इधर लोड वर्ड और आर टाइप में हमने देखा कि पीसी प्लस फोर आएगा, क्योंकि हम जंप नहीं कर रहे हैं, जंप सिर्फ हम ब्रांच के केस में कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ से पीसी प्लस फोर आएगा, यहाँ से ज़ीरो सेलेक्ट होगा, वापस जाके पीसी के अंदर राइट हो जाएगा. सो ये हम लोगों ने स्टोर वर्ड देख लिया. और स्टोर वर्ड अगर आप देखें तो यही चीज़ है कि सिर्फ मेम टू रेज और रेज डेस्ट के अंदर डोंट केयर है, बाकी हर एक के अंदर उसकी वैल्यू है. एल यू ऑप वही है जो लोड वर्ड का था, पी सी सोर्स अगेन ज़ीरो, मेम राइट वन, मेम रीड ज़ीरो, एल यू सोर्स वन क्योंकि इमीडिएट से आ रहा है, और रेज राइट हमारा ज़ीरो क्योंकि हम रजिस्टर के अंदर अब राइट
नहीं करें जैसे हम आर फॉर्मेट और लोड वर्ड में कर रहे थे। देखिए हम लोग जो लास्ट हमारा रह गया ब्रांच इंस्ट्रक्शन, अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में अगेन इंस्ट्रक्शन मेमोरी से हमारा डेटा आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगी, ऑप कोड सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, आरएस जाएगा, आरटी जाएगा, आरटी यहाँ भी आएगा, अगेन यहाँ भी आएगा और इमीडिएट वैल्यू यहाँ भी आएगी। अब उसके बाद क्या होगा कि आरएस का डेटा यहाँ से आगे जाएगा, आरटी का डेटा यहाँ से आगे आएगा, क्योंकि हमने आरटी का डेटा आगे भेजना है इसलिए हम थोड़ा सा क्विक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने तीन एग्जाम्पल्स देख लिए, अभी चौथी एग्जाम्पल है। तो आर टी का डेटा आगे जाएगा तो यहाँ पे हमें जीरो वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। सो यहाँ से आर टी आएगा क्योंकि ब्रांच केस में सब्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ से यहाँ डेटा भी जाएगा, यहाँ से यहाँ डेटा भी जाएगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा। ना हमें ये वाला डेटा चाहिए, ना हमें ये वाला डेटा चाहिए, ना हमें ये वाला डेटा चाहिए। हमें चाहिए कि ज़ीरो इन्फॉर्मेशन, ये ज़ीरो बिट हमारी ऑन हो रही है कि नहीं हो रही है। ब्रांच है, ब्रांच में हम अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शन को लिखूँ सो एस वन एस टू आपस में माइनस होंगे, अगर रिजल्ट ज़ीरो आता है तो ये जंप करेगा, अगर ज़ीरो नहीं आता तो जंप नहीं करेगा। सो ये हम पाथ छोड़ गए थे। सो अब क्या होगा कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चाहिए, इसलिए मेम राइट को अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन यहीं पर रुक गई, मेम रीड को ज़ीरो कर देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर रुक गई। ये वाली इन्फॉर्मेशन कैसे रुकनी आगे देखते हैं। फिर यहाँ से सपोज डेटा आता है, यहाँ पर डोंट केयर होगा, क्यों? क्योंकि रजिस्टर के अंदर हम राइट नहीं कर रहे, तो रजिस्टर राइट को अगर हम पक्की ज़ीरो वैल्यू दे देते हैं, हार्ड कोड कह रहे हैं ज़ीरो वैल्यू, तो इस मक्स का और इस मक्स का कोई भी रोल नहीं रहता। तो इसमें हम चाहे वन भेजें चाहे ज़ीरो भेजें, नेक्स्ट स्टेज में इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर राइट हमारे पास ज़ीरो है। एलियो आपकी क्या वैल्यू होगी? वन, जो हमारे पास ज़ीरो वन है। अब मेन इशू कहाँ पर आता है कि ये तो माइनस हुए, ज़ीरो फ्लैग, अभी तो ये ज़ीरो फ्लैग कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि ये कनेक्टेड होगा। यहाँ पे पीसी सोर्स में अब हमारे पास एक छोटा सा इशू आ रहा है कि या अब क्योंकि दोनों हो सकते हैं, अगर हमारे पास ज़ीरो रिजल्ट आ जाता है तो वो पीसी प्लस फोर, पीसी प्लस जो हमारे पास फोर प्लस ऑफसेट की वैल्यू रहेगा जो कि यहाँ से आ रही है, और यहाँ से आ रही है हमारी पी सी प्लस फोर की वैल्यू। तो अगर तो ज़ीरो रिज़ल्ट वन हो जाता है तो वन सेलेक्ट होगा यहाँ पे, अगर ज़ीरो रिज़ल्ट हमारा ज़ीरो ज़ीरो रिज़ल्ट नहीं आता, कोई और वैल्यू आती है, तब पी सी प्लस फोर होगा। इसकी सर्किट्री में आगे देखेंगे कैसे बनेगी, लेकिन पी सी सोर्स डिपेंडेंट है किस पे? ब्रांच इक्वल पे, कंडीशन पे। तो कंडीशन सपोज हमारी कंडीशन अप हो जाती है तो उसमें इसकी वैल्यू पी सी सोर्स की वैल्यू वन होगी, वन होगी तभी ये जाके जंप करेगा। और अगर हम आगे भी देखें सो अगेन वही डोंट केयर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने रेज राइट को ज़ीरो कर दिया है, उस केस में ये दो हमारे नलिफाई हो जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं रहता। एलियो सोर्स ज़ीरो क्योंकि आर टी से वैल्यू आ रही है, मेम रीड क्योंकि ना हम मेम रीड कर रहे हैं ना मेम राइट कर रहे हैं क्योंकि हम मेमरी को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो पी सी सोर्स क्यों वन है? क्योंकि हमने इस बार जंप करना है। एलियो ऑप की वैल्यू ज़ीरो वन। सो ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो जनरेट होंगे हमारे एक सिंगल साइकिल प्रोसेसर के अंदर। तो इस थ्रेटिकल पार्ट देखते हैं, दिस कंट्रोल लॉजिक कैन बी डिकोडेड इन सेवरल वेज, रैंडम लॉजिक पी एल ए पी एल। ओके, ये जो हमारे पास जितना भी हमारे पास ये आया है इस कंट्रोल सिग्नल्स की वैल्यू, अब ये मैप होगा हमारे ऑप कोड के ऊपर। तो इसकी सर्किट्री बनेगी कि कौन सा ऑप कोड आएगा तो कौन सी हमारी कंट्रोल की वैल्यूज़ आएंगी। ये कंट्रोल की वैल्यूज़ आएंगी तभी हमारा डेटा कंट्रोल होगा और तभी हमारे पास सही रिजल्ट आएगा, वरना हमारा ना डेटा कंट्रोल होगा ना हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट सही आएगा। सो इसके डिफरेंट तरीके हैं, एक रैंडम लॉजिक या हम लोग सिंपल जो हमारे पास सर्किट्री होती है जो हम डीएलडी में भी पढ़ चुके हैं उसको हम यूज़ करें, कॉम्बिनेशनल लॉजिक को, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज हम यूज़ कर सकते हैं और पी ए एल जो हम यूज़ कर सकते हैं। सही है। सो ये डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके कंट्रोल सिग्नल्स का जो हमारे पास सर्किट है वो बनाने में। जस्ट बिल्ड हार्डवेयर दैट लुक्स फॉर द फोर ऑप कोड्स। अब हमारे पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है कि हम एक हार्डवेयर बनाएं जो सिर्फ चार ऑप कोड को देखें। अब पी एल ए और पी ए एल हमारे यूज़ होते हैं जब हमारे पास एरेज ऑफ लॉजिक गेट्स लगने होते हैं,
हमारे पास बहुत ज़्यादा गेट्स लगने होते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट केसेस होते हैं, मल्टीपल केसेस होते हैं, उनमें मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस आ सकती हैं, तब हम पीएल और पीएलए यूज़ करते हैं। लेकिन इन केस क्योंकि हमारे पास सिर्फ चार केसेस हैं और हमारे पास चार केसेस को कंट्रोल करना इतना मुश्किल नहीं होता, इसलिए हम जस्ट बिल्ड हार्डवेयर दैट लुक्स फॉर द फोर ऑपकोड्स। सिर्फ चार ऑपकोड्स को देख के, एक ऑपकोड आएगा तो एक सिग्नल की सिग्नल्स की वैल्यू डिफरेंट होंगी, दूसरा ऑपकोड आएगा उसकी सिग्नल्स की वैल्यू डिफरेंट होंगी, तीसरा ऑपकोड आएगा उसकी सिग्नल्स की वैल्यू डिफरेंट होंगी। तो इसी तरह करके हम डिफरेंट सर्किट जो है वो बेसिक बेसिकली हम लोग बेसिक जो हमारे पास गेट्स हैं उनसे मिलकर बनाएंगे। फॉर ईच ऑपकोड ऑपकोड असर्ट द अप्रोप्रिएट सिग्नल्स, जो ऑपकोड होगा उससे अप्रोप्रिएट सिग्नल आएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हुआ है। सपोज हमारा आर टाइप का जो ऑपकोड होता है वो होता है 00000, हमेशा ये आर टाइप का ऑपकोड सेम रहता है। सो अगर आप देखा जाए तो जब ये ऑपकोड की बिट 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, जब ये सारी जीरो होंगी, यानी यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो, 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 तो ये सब इन्वर्ट होके सारे 1 हो जाएंगे और ये 1 सारे होंगे तभी ये वाला सिस्टम जो है हमारा 1 होगा। तो जब ये इसके आउटपुट में 1 आएगा तो आप देखें इससे ये तीन डॉट्स कनेक्टेड है, यानी तीन कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो कि कनेक्टेड है। एक रेच डेस्ट, अगर हम रेच डेस्ट देखें तो आर फॉर्मेट में रेच डेस्ट इज 1, इसलिए कनेक्टेड होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरा कौन सा सिग्नल कनेक्टेड है, हमारा रेच राइट। अब रेज राइट देखें, रेज राइट भी इस केस में 1 है, तो ये 1 जो है यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होके रेज राइट भी 1 हो जाएगा। अगेन एल यू ऑफ वन जो है हमारा वो भी 1 है, तो यहाँ पे जाके वो भी 1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो हर चीज़ 0 है, सो वो कनेक्टेड नहीं होगी, वो इस केस में हमेशा 0 रहेगी। सो यहाँ पे 1 आएगा तभी ये वाला हमारा सीक्वेंस आएगा, अगर यहाँ पे 1 नहीं आएगा और 0 आएगा तो इसी तरह ये डिफरेंट होते जाएंगे और हमारा आर टाइप वाला केस नहीं आएगा। ओके, हम लोग लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम यहीं से आगे इसको दोबारा बल्कि कर लेंगे कंट्रोल यूनिट को, कि कंट्रोल यूनिट को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो दोबारा हम यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि जो हमारी क्लास की जो टाइमिंग्स है वेडनेसडे और फ्राइडे को, उसमें जो हाफ एन आवर है वो हम लोग इंशाल्लाह लाइव सेशंस करेंगे, एंड लाइव सेशंस के अंदर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ है जो मैं जल्दी स्किप कर गया हूँ, मैं जल्दी पढ़ा गया हूँ, तो उसमें हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो गूगल क्लासरूम के अंदर सब रजिस्टर कर लें, सब अपनी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके उसमें रजिस्टर हो जाएँ, एंड फिर हम लोग लाइव सेशन करेंगे। लाइव सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ लाइव सेशन ही, आप लोग वैसे कोई क्वेश्चंस हैं, आप लोग लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, तब भी आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम पार्ट 4 यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीक में दोबारा इंशाल्लाह फिर इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।